डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा और ऐसा संविधान लिख दिया कि लड़की हो या महिला हो, छोटे घर की हो, बड़े घर की हो, गरीब घर की हो, अमीर घर की हो, छोटी जाति की हो, बड़ी जाति हो, सबको एक समान अधिकार। उस एक समान अधिकार ने ही राजेश्वरी जी को कथा कहने का अधिकार दिया। और इस बात को तुमने नहीं समझा ना ठीक से, और समझ करके अपने बच्चे को ठीक से नहीं समझाया, तो इस देश में बराबर इस तरह के कानून और काले कानून बनते रहते। इसलिए आवश्यकता इसकी है कि आपके अपने पैदा किए गए बच्चों को इस तरह की कथाओं में से सुन करके और उन्हें नेक इंसान बनाइए, उनके विचार बदलिए। अगर उनके विचार नहीं बदले ना, तो क्या होगा? मैं कहानी बताता हूं। एक कुंभकार था और चिलम बना बना के बेचता था, चिलम बना बना करके बेचता था, उसका तो व्यापार था। एक बार उसको ऐसा एहसास हुआ, कहीं से उसको ऐसी आवाज उसके हृदय में पैदा हुई कि अरे भाई, तू इतनी मेहनत करके चिलम बना रहा है। मिट्टी क्या बोलती है कि तू इतनी मेहनत करके चिलम बनाता है, और चिलम से क्या होता है कि मैं भी जलती हूं और दूसरों को भी जलाती हूं। उसने कहा सही तो बात है, मैं चिलम बनाता हूं, और चिलम जब बाजार में जाती है तो क्या होती है, वो खुद जलती है और दूसरों को जलाती है, तो क्या करूं? दूसरी आवाज आती है कि क्यों नहीं तू सुराही बना, घड़ा बना, तो क्या होगा उससे कि मैं भी ठंडा रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता दूंगी। तो उसका विचार बदल गया, घड़ा बनाने वाले का, उस कुंभकार का विचार बदल गया, और विचार बदल गया तो उसने क्या किया कि चिलम बनाना छोड़ दिया। क्या बनाया फिर उसने? उसने सुराही बनाई। सुराही बनाने से क्या हुआ? खुद शीतल और दूसरों को शीतल। यही है कथा का सार। राजेश्वरी जी की बात सुनकर के यदि अपने आपने अपना विचार बदल दिया तो क्या होगा? आप लोगों के लिए ठीक, आपके बच्चों के लिए भी ठीक, आपके माँ बाप सास ससुर पड़ोसियों के लिए भी ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाइयां किसकी हैं? विचारों की हैं। धन की लड़ाई नहीं है, संपत्ति की लड़ाई नहीं है, सिर्फ लड़ाई है विचारों की। छोटी बात बताता हूं, आपके घर में ज्यादातर काय की लड़ाइयां हैं? विचार की लड़ाई है। बहू कहती है